और अब दिल्ली दरबार का रुख कर लेते हैं। 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री, 14 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार जो करना है और स्टार प्रचारक यहां पहुंचने वाले हैं। जी हां, आप समझ जाइए दिल्ली नगर निगम का चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए कितना खासम खास है। बीजेपी ने एमसीडी इलेक्शन जीतने के लिए हर बड़े नेता को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में 9 मुख्यमंत्री और 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल किए गए। सबसे पहले मुख्यमंत्रियों का नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आजकल अपने एक्शंस की वजह से चर्चा में है सीएम बनने के बाद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल की गई हैं। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री रमन सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें भी शामिल किया गया है एमसीडी इलेक्शन में प्रचार के लिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके अलावा 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जी हां, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगाएंगे, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री वेंकैया नायडू भी प्रचार करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साथ ही संजीव बालियान, स्मृति ईरानी भी आपको एमसीडी इलेक्शंस में बीजेपी के नुमाइंदों के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। कलराज मिश्र का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद भी इसमें शामिल होंगे। ये वो स्टार प्रचारक हैं, स्टार टीम है एमसीडी चुनाव के लिए मोदी की, जो बीजेपी के लिए लोगों से वोट मांगेगी। अब आपको बता देते हैं एमसीडी चुनाव में राहुल की स्टार टीम में कौन कौन होंगे। अजय माकन दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इन्हें शामिल किया गया है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्टार प्रचारक होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की लेकिन स्टार टीम कौन होगी, ये भी आपको देखना चाहिए, जिसमें दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को शामिल किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली के कपिल मिश्रा, उन्हें भी शामिल किया गया है। और आम आदमी पार्टी के नेता आशीष तलवार भी प्रचार करते नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के लिए। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है। आपका विकास, सर्वांगीण विकास, जो भारत को छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं है, ये सारी दुनिया को समझे। उत्तर प्रदेश विकास के अंदर नंबर एक बने। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों के ऐसे जोरदार भाषण आपको सुनने के लिए मिलेंगे। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए कल अपने स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 53 लोगों के नाम दिए हैं, जिसमें 9 राज्यों के सीएम और 14 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का नाम इसमें शामिल नहीं है। उसमें कई चीफ मिनिस्टर्स का नाम है, चूँकि चीफ मिनिस्टर्स हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, तो ऐसे में चूँकि योगी आदित्यनाथ जी का नाम अभी बिल्कुल नया है और नया उन्होंने कार्य भी शुरू बहुत धमाकेदार अंदाज में शुरू किया है, लीगल लोगों को, लीगल काम करने वालों को बढ़ावा, इलीगल काम करने वालों को रोकना चर्चा का विषय बन गया है और वो रहेंगे, वो भी एक दिन प्रचार करने आएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एमसीडी चुनाव की तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन पंजाब के सीएम सरदार अमरिंदर सिंह के स्टार प्रचारक बनाए जाने की बात सामने आ रही है। बड़े बड़े हमारे लीडर्स भी बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे और जैसे कल ही हम कैप्टन अमरिंदर साहब की एक रैली कर रहे हैं, एक उनका लिए एक सिविक रिसेप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर रहेगा, बिकॉज हम माइक्रो लेवल पर इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की कमान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी।
सभी दल चुनाव जीतने के लिए रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस क्यों बनी हुई हैं? ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। क्या ये राजनीतिक पार्टियां ये बताएंगी? अगर इन्होंने काम किया है तो फिर स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ती है? निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े बड़े नेता आएंगे, प्रचार करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। ये नेता ना ही सड़क की बात करेंगे, ना ट्रैफिक जाम की बात करेंगे, ना घर के सामने जो आपके पानी इकट्ठा होता है उसके बारे में कोई बात करेंगे, और ना ही डेंगू से होने वाली मौतों पर कुछ ही बोलेंगे। इन चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, लेकिन एमसीडी ठीक करेगी कैसे, क्योंकि वो तो बन चुकी है म्युनिसिपल कंफ्यूजन ऑफ दिल्ली। कूड़ादान नहीं है ना मेन, तो नालियां सीवर का पानी इतना बह रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं घरों में, पाइपलाइन सब टूटी पड़ी है। नेता तो आते हैं बस झक मार के चले जाते हैं, बोलते हैं कि पहले इलेक्शन में हमें जिताओ, उसके बाद हम ये तुम्हारी करवाएंगे। दिल्ली का कबाड़ा करने वाली एमसीडी की कंफ्यूज स्टोरी। जी हाँ, एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, बल्कि एम म्यूनिसिपल, सी कंफ्यूजन, डी ऑफ दिल्ली। एमसीडी की ये परिभाषा अजीब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। दिल्ली वालों को एमसीडी के विस्तार के नाम पर तीन तीन सिविक एजेंसियां दे दी गई, लेकिन बजट और मुसीबतें बढ़ती गई। राजधानी के लोगों के पास अब तीन तीन एमसीडी हैं, लेकिन समस्याएं तीन गुनी हो चुकी हैं। कूड़ादान नहीं है ना मेन, तो अगर कूड़ादान होगा तो फिर वो बाहर तो इसीलिए बैठे। बाधे तो करने के लिए, निभाने के लिए तो वो जिगर चाहिए। मेरे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लड़का एक बीमार है, एक लड़का खत्म हो गया, पूरा घर के सामने मेरा कूड़ा रहता है, खाना दरवाजे पे खाते हैं, वहाँ कूड़े का ढेर लगा रहता है। आम पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार बिल्कुल निकम्मी निकम्मी निकम्मी। पानी से थोड़ा होता है, गली का निकास भी तो होना चाहिए। किसी के रिश्तेदार आते, कोई आता, परेशान होता है, बड़े बूढ़ा कोई गिर जाए लग जाए चोट। एमसीडी की कंफ्यूजन वाली स्टोरी से दिल्ली वालों का क्या नुकसान है, ये आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव है, 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, पूरी दिल्ली तैयार है। एक बार फिर नेता आपके घर और दुकानों पर आएंगे, वादे करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन कई साल से बदहाल तस्वीर क्यों नहीं बदली, इसका कोई जवाब या हिसाब किताब नहीं देंगे। मगर हम दिल्ली दरबार में आपको दिखाएंगे कि तीन तीन एमसीडी बनने के बावजूद देश की राजधानी पहले से ज्यादा बदहाल क्यों हो गई? दिल्ली नगर निगम में आपका काम क्यों नहीं होता, और तीन नगर निगम बनने से दिल्ली वालों को क्या मिला? अलग अलग हिस्से हैं कॉरपोरेशन के, अब जैसे तीन बढ़ गए, ईस्ट दिल्ली है तो वहाँ जाहिर है क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन कम है एज कम्पेयर टू साउथ कॉरपोरेशन और इवन नॉर्थ कॉरपोरेशन, तो वहाँ लगता है कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो उस एक्सटेंट तक सफ़र करते हैं, तो ये डाइल्यूशन ऑफ अथॉरिटी से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में बहुत फर्क आया। एमसीडी की एक एक चीज समझिए, क्योंकि ये हर दिल्ली वाले से जुड़ी बड़ी और बुनियादी खबर है। एमसीडी का बड़ा सच जानने के लिए आपको 5 साल पीछे जाना होगा। दरअसल 5 साल पहले दिल्ली नगर निगम की बनावट आसान हुआ करती थी, जिसे आप आसानी से समझ सकते थे। एमसीडी बेहतर ढंग से काम करे, इसके लिए 2012 में दिल्ली की शीला सरकार ने एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया। बंटवारे के बाद एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। एमसीडी के बंटवारे के समय इस बात का दावा किया गया था कि सिविक एजेंसी के 3 हिस्सों में बंटने के बाद लोगों के काम आसान हो जाएंगे, विकास को रफ्तार मिलेगी, और सबसे बड़ा दावा तो ये किया गया था कि इससे लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को रियल टाइम चेक किया जाएगा। चालान करने की, जुर्माना करने की, ये कैपेसिटी एमसीडी के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। नक्शे बनते हैं, दिल्ली में हर आदमी को मकान बनाना है तो नक्शे के पावर भी एमसीडी के पास है, साफ़ सफाई एमसीडी के पास है, पहले तो बिजली और पानी भी था, तो इसलिए एमसीडी ही दिल्ली की एक तरह से बैकबोन है। 2012 तक ये यूनिफाइड एमसीडी थी, उनको 3 हिस्से में किया शीला दीक्षित सरकार ने, इसीलिए क्या कि उनको लगता था कि एमसीडी का कद कई बार दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत बड़ा हो जाता है।
2012 में यूनिफाइड एमसीडी का बजट तकरीबन 6691 करोड़ रुपए था, लेकिन तीन टुकड़ों में बंटने के बाद आज 5 साल बाद एमसीडी का बजट 15,000 करोड़ से ज्यादा यानी तकरीबन 2.5 गुना हो गया।